नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं श्री सुरेश कुमार, ACP CAWSL आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों व जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं और आज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, लगभग 34 साल के कार्यकाल के बाद आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह के विचार आपके मन में उमड़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, दिल्ली पुलिस में इतनी लंबी सर्विस के बाद मैं रिटायर होने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और रिलैक्स फील है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो जॉब है थोड़ा सा वो हैक्टिक रहती है, तो इसलिए आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। सर, आपकी 34 साल के व्यावसायिक जीवन को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज करना चाहें तो आप किस तरह करना चाहेंगे? मैं अपने दिल्ली पुलिस की सर्विस से काफ़ी संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और इट वॉज वेरी एक्सीलेंट फॉर मी। मैं जानना चाहूँगा सर, आपका दिल्ली पुलिस के लिए रुझान किस तरह बना? मैंने जो है ग्रेजुएशन BSc BEd हिंदू कॉलेज सोनीपत से किया, उसके बाद ही मेरी तुरंत जॉब हरियाणा में जो साइंस मास्टर लगी थी, जो मैंने एक साल भर करी साइंस मास्टर की जॉब हरियाणा में की, उसके बाद दिल्ली में मैं शिफ्ट हो गया था एज ए साइंस मास्टर ही। यहाँ करीब करीब मैंने 4 साल तक सर्विस की, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको जब हम देखते थे तो हमारे मन में ही बड़ा चाव होता था कि ये वर्दी हमें भी मिले, और यही मन में लेकर के मैं बार बार एग्ज़ाम दिया मैंने। पहले CDS भी कई बार पास किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस का, तो मेरे मन में ये था कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, और इसी चीज़ ने मेरे को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और मैंने इसके लिए चैलेंज स्वीकार किया और अल्टीमेटली मैं अपॉइंट हुआ। दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं, आप उनके बारे में बतलाएं? मेरी करीब जो है 34 साल और करीब 9 महीने की सर्विस होने जा रही है, और इस सर्विस के दौरान जब हमने ज्वाइन किया था तो उसके और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले इतनी पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, उस समय मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, अब ये सारी चीज़ें साइबर जो है साइबर क्राइम, मोबाइल, इंटरनेट, ट्विटर, ये बहुत सारे जो है एक टेक्नोलॉजी सामने आ गई है जिसको क्रिमिनल्स भी यूज़ कर रहे हैं, और उनको कोप अप करने के लिए हमारा दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट भी टाइम टू टाइम अपने जो है टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया है। साइबर क्राइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और हमारा जो दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे अपने आप को अपडेट करके उसको कोप अप कर रहा है। आपका सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या रहा? मैं 2004 से 2006 तक स्पेशल सेल में पोस्टेड था। स्पेशल सेल जो एक स्पेशलाइज यूनिट है जो हार्डन क्रिमिनल्स, टेररिस्ट वगैरह का पीछा करते हैं और उनकी सर्वेलेंस करते हैं, उनको नैब करते हैं। इसी सिलसिले में हमने कई बार जो है पंजाब में, जम्मू कश्मीर के जम्मू में जाकर के मोबाइल के जरिए सर्वेलेंस करने की कोशिश की, सर्विस और सर्वेलेंस की भी, और उसी के परिणाम स्वरूप हमने कई क्रिमिनल्स को उस दौरान पकड़ा। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग जॉब कि किसी का मोबाइल से सर्वेलेंस करना, उनके मूवमेंट्स को वॉच करना, उनके मूवमेंट्स का पीछा करना और फिर नैब करना, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। सर, आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा रहा? मैं नांगलोई में एज ए सब इंस्पेक्टर तैनात था, तो वहाँ पर मुझे एक मिसिंग का केस मिला। पहले एक लेबर था बिहार से और वो अचार फैक्ट्री में नांगलोई काम करता था, अचानक वो गायब हो गया। तो उसके घर वालों ने जो है मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई पहले, लेकिन उसके बाद जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि इसका किडनैप हुआ है यहाँ। हमने जो है केस रजिस्टर किया 365 का, और फिर बात सामने आई कि ये जो गायब हुआ है, जिसकी किडनैपिंग हुई है, इसकी भाभी का कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था बिहार में ही, और इनके भाभी के जो भाई वगैरह थे उनको पूरा शक था कि इसने, देवर ने और इनके परिवार ने मिलकर उसका मर्डर किया है, तो वो लोग उसको उठा कर ले गए हैं। हमने जो है काफ़ी मेहनत के बाद उन लोगों को पकड़ा, उनसे बातचीत की, इंटरोगेशन में सामने आया कि हम उसको यहाँ से किडनैप करके ले गए थे, हमने उसका मर्डर कर दिया, और उसकी जो है डेड बॉडी को हमने 5-6 महीने पहले बूढ़ी गंगा, एक नदी है बदायूं के आगे, उसमें दबा दिया था। तो हम उसको बॉडी को रिकवर करने के लिए कोर्ट परमिशन लेकर के, रिमांड लेकर के मुलजिम के साथ गए, तो जब वहाँ पहुँचे तो बूढ़ी गंगा में 6-7 फीट पानी था और पूरे में जो है घास फूस उगा हुआ था, तो एक बार तो बड़ा झटका लगा कि ऐसे इसमें कैसे तलाश की जाएगी बॉडी, लेकिन क्योंकि ड्यूटी थी, चैलेंजिंग जॉब था, हम मुलजिम को लेकर के उस बूढ़ी गंगा नदी में घुसे भी, और वहाँ जैसे उसने बताया मुलजिम ने उसके अकॉर्डिंग बॉडी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कई महीने गुजर चुके थे बॉडी रिकवर नहीं हो सकी। उसने बताया कि जब हमने बॉडी दबाई थी उस समय बूढ़ी गंगा सूखी हुई थी, उसमें पानी नहीं था, तो ये हमने आकर के कोर्ट को बताया, और इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस और वेरी
सर, आप पब्लिक और पुलिस रिलेशन के इस समीकरण में कितना बदलाव देखते हैं? आजकल में और पहले की पुलिस में और पब्लिक में भी काफ़ी अंतर आ गया है। पहले पब्लिक भी पुलिस के साथ नहीं आना चाहती थी और थोड़ा उनके अंदर भय खौफ रहता था, पुलिस भी दूरी बनाकर रखती थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस जो है हर डोर टू डोर जा कर के बातचीत करती है। और इसी सिलसिले में हमने जो है वो आईज एंड ईयर स्कीम हमारी चली है, नेबरहुड वॉच स्कीम हमारे हमने शुरू किया है, अमन कमेटी हमारी है, तो बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स दिल्ली पुलिस ने लिए हैं कि वो पुलिस पब्लिक रिलेशन को बढ़ाती हैं। और आजकल जो है पुलिस पब्लिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है आज के टाइम में। और पुलिस जो है वो जा कर के, चाहे हमारा बीट कॉन्स्टेबल है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, किसी भी रैंक का अधिकारी है, वो पब्लिक के बीच में जा कर के उनके रिलेशन मजबूत किए हैं। सर, इतने लंबे कार्यकाल में आपने अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन के बीच किस तरह बैलेंस बना पाए आप? दिल्ली पुलिस जो है 24/7 की सर्विस है, चैलेंजिंग भी है, हर समय आपको जो है ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी घर को भी आपको देखना है, तो जब भी समय मिलता था गाये बगाये टाइम निकाल करके, तो घर में भी बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो है कोई ना कोई समय निकालते थे, उनकी जो भी हेल्प होती थी पॉसिबल वो उसमें उनका हाथ बटाते थे। बस ऐसे ही जो है ये पूरा दौर चलता रहा और समय गुजर गया। मैं जानना चाहूँगा सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आपका कैसा है, क्या प्लानिंग की हुई है आपने? मैं आज दिल्ली पुलिस से करीब 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहा हूँ। काफ़ी हैक्टिक जॉब थी, चैलेंजिंग जॉब थी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर अगर स्वास्थ्य ने अलाउ किया और स्वास्थ्य ठीक रहा तो घर वालों से बच्चों से बातचीत करके कोई ना कोई आगे छोटा मोटा कार्यक्रम जो करेंगे, कोई कार्य करेंगे, ताकि जो है 5-4 घंटे के लिए अपने आप को एंगेज रखा जा सके, अपनी सेहत का ध्यान रखा जा सके। सर, लास्ट में हमारे जो यंग पुलिस ऑफिसर्स, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा कि नॉलेज इज पावर। सबसे पहले तो उनको नॉलेज गेन करना चाहिए, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग के दौरान है, आपके डी कोर्स के दौरान है, किसी भी स्तर पर आप नॉलेज गेन करिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। सेकेंड थिंग है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन रह कर के काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। फोर्सफुल डिसिप्लिन जो है अच्छा नहीं है कि आपको हर समय जो है कहा जाए, आपके पीछे डंडा लेकर भागा जाए, वो नहीं। आप सेल्फ डिसिप्लिन से काम करिए तो आप सक्सेस होंगे। और तीसरा मेरा उनको ये है संदेश कि देर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो आप जहाँ पर भी हैं जिस यूनिट में आप मेहनत करिए, और ट्राई टू गिव योर 100%, अपना आप 100% देने की कोशिश करिए तो आपको अच्छा प्रोजेक्शन मिलेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे शो में आए, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समस्त पीआरओ टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया यहाँ जो है टेलीकास्ट करने के लिए, और जो यंग ऑफिसर्स को जो है कुछ ना कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग गाइड करने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।